वैसे तो 2016-17 के आसपास से मैं ये फिल्म मेकिंग, वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग वाला काम कर रहा हूँ, लेकिन इस YouTube चैनल को मैंने क्रिएट किया था 2021 अगस्त में, जिसमें मैं एक्टिव उतना ही रहा जितना तुम्हारा पढ़ाई में मन। बट उन बीचों मेरे पास सेटअप के नाम पर थी मेरी एक डाइनिंग टेबल, एक मेरा प्यारा सा लैपटॉप जिसे मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया था, और कुछ करने का पैशन। और अब चल रहा है साल 2023, जिसमें मैं अपना वर्क फ्रॉम होम वाला ड्रीम सेटअप ऑलमोस्ट बना चुका हूँ। अभी काफी कुछ काम बाकी है। हालांकि इन्हें मैंने एक साथ नहीं खरीदा, क्योंकि ना मेरे नाम के पीछे अंबानी है और ना मेरे चचा विधायक। बट आई लव दिस मिनिमल सेटअप। मिलवाता हूं अपने पीसी से। मैं यूज कर रहा हूं एप्पल का M1 Mac Mini, जो कि 16GB रैम के साथ आता है और 256GB इसकी SSD है। मुझे जो इसका प्राइस पड़ा था वो पड़ा था अप्रोक्सीमेटली 76,500। नॉर्मली ये 80,000 प्लस के आसपास में मिलता है, 80,000-81,000 के आसपास में। बट मेरी इम्प्लॉय आईडी लगाकर, क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, तो वहां पर मुझे 4-5 हज़ार रुपए का कुछ डिस्काउंट मिल गया था, विच इज एक्चुअली ग्रेट अगर मैं इसके प्राइस को देख रहा हूँ तो। एनीवेज, तो तीन सवाल क्लियर कर दूं कि मैंने इस वाले ही पीसी को क्यों खरीदा। पहला सवाल कि भाई विंडोज क्यों नहीं। विंडोज मैं कई सालों से चला रहा हूं और मुझे एक ऐसा इंटरफेस चाहिए था जो कि क्लीन हो, विंडोज की तरह मैसी ना हो। साथ में मैं परफॉर्मेंस के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। ऊपर से विंडोज से मैं थोड़ा सा बोर हो चुका था, प्लस मेरे ऑफिस में भी विंडोज ही है, और उसी के साथ साथ में मेरा पर्पस था मैक को लेने का कि भाई मुझे लॉजिक एक्स प्रो जैसे सॉफ्टवेयर्स या FCP वगैरह भी सीखने हैं। हालांकि सीख कभी तक नहीं पाया हूँ। दूसरा क्वेश्चन, M2 चिप क्यों नहीं लिया। अगर आप लोग मेरी कम्युनिटी से जुड़े हुए हो तो आप लोगों ने मेरा नवंबर में एक पोस्ट पढ़ा होगा कि मेरा जो लैपटॉप है वो एकदम से खराब हो गया, तो मुझे अर्जेंटली एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि क्लाइंट्स जो थे वो मेरे से डिलीवरेबल मांग रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि यार फटाक से जाके इसको ले लेता हूँ, और उस समय तक M2 अनाउंस भी नहीं हुआ था। अच्छा, पूरा YouTube चला रहा है, 8GB रैम ले लो, 8GB रैम ले लो, सफिशियंट है, सेल्समैन है सब बेचेंगे। देखो, तुम मजे के लिए एडिट करते हो तो ठीक है, तुम क्लाइंट सर्विसिंग नहीं करते तो ठीक है, बट अगर पैसा कमाना चाहते हो तो सोच लो, 16GB रैम मेरे जैसे बंदे के लिए सफिशियंट है एप्पल जैसे इकोसिस्टम में। इसका मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग खरीद सकते हो, और ये डायरेक्ट आपको एप्पल की साइट पे ले जाएगा, तो वहीं से खरीदना, इसको अमेजन वगैरह से ना खरीदे, कोशिश यही करिएगा। CPU के साथ मैं यूज करता हूँ LG का, ये जो आप मेरा पीछे मॉनिटर देख रहे हो ये वाला, ये है LG का 29 इंच का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर। अमेजन पर इसकी ठीक डील मिल रही थी मुझे, कलर्स भी अच्छे आते हैं, अच्छा खासा मेरा काम हो जाता है। 4K मॉनिटर नहीं है, फुल SD मॉनिटर है, बट मेरे सारे काम निकाल के मुझे दे देता है। इन फ्यूचर मुझे 4K मॉनिटर लेना है, फिलहाल पैसे नहीं थे तो मैंने इसी को ले लिया, ये फुल SD मॉनिटर है और मेरा अच्छा खासा काम हो जाता है, कलर्स रिप्रोडक्शन भी बहुत अच्छे खासे हैं इसमें। बट हाँ, टेक्स्ट जो क्लियरिटी है, जो शार्पनेस है, वो ज्यादा अच्छी नहीं है इस पर, लेकिन अगर आप किसी लैपटॉप वाले इकोसिस्टम से आए हो मेरे जैसे, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस मॉनिटर पर। नॉर्मली इसका प्राइस जो था वो 16,000-17,000 के बीच में था, बट मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, उस पर डिस्काउंट था, 15,000 में पड़ गया मुझे। ओके, तो अब मैं आपको अपना कीबोर्ड और माउस दिखाता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये आई क्लेवर का है और ये छोटू सा माउस जैसे कि देख पा रहे होगे, ये दोनों आई क्लेवर ब्रांड के हैं। इनिशियली मेरा मन था जो एप्पल का कीबोर्ड आता है उसे लेने का, उसके बाद मुझे पसंद आया लॉजिटेक, फिर मैंने मेरा पॉकेट देखा और इस वाले का डिजाइन। अब ये कीबोर्ड तो बहुत अच्छा है, सारे कीज इसमें मिल जाते हैं, मैक से भी इजिली कनेक्ट हो जाता है। इसका माउस इतना कंफर्टेबल नहीं है, बैटरी लाइफ इसका बहुत तोड़ है। मैंने नवंबर में इसको चार्ज किया था, नवंबर में जब मैंने इसको लिया था, तब से अब तक एक भी बार मुझे इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ऑल्दो मैंने इस पर बहुत ज्यादा लग कर काम नहीं किया है, जैसे मैं बाकी अपने सिस्टम पे, ऑफिस वाले सिस्टम पे काम करता हूँ वैसे, बट नवंबर 2022 से लेकर अब तक सितंबर 2023 तक में आते आते बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई है इसके कीबोर्ड की। माउस में मैंने 2-3 बार बैटरी जरूर इसकी चेंज करी है। इस वाले कीबोर्ड और माउस का जो प्राइस लमसम पड़ा मुझे 2600 रुपए के आसपास में पड़ा है। एफिलिएट लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से खरीद सकते हो। अब भाई बात करते हैं लाइट्स में कौन कौन सी यूज करता हूँ। तो लाइट्स में मैं आपको सबसे पहले मिलवाता हूँ अपनी सस्ती बैकग्राउंड लाइट से। ये दोनों LED पैनल RGB कलर्स वाले हैं। हालांकि ये वाली जो लाइट है वो ठीक ठीक है, काम कर जाती है, रिमोट भी आता है साथ में, 250 रुपए की एक पड़ जाती है। बट मेरी वाली जो लाइट्स हैं इनमें रेड और ग्रीन दोनों चैनल्स बंद हो चुके हैं, सिर्फ ब्लू लाइट ही चल रही है इसकी अभी। पर हाँ, 250 रुपए के हिसाब से ठीक है, बार बार चेंज किया जा सकता है अगर आप गोडॉक्स वगैरह नहीं ले सकते हो तो। बाकी ये जो पीछे आपको एक लाइट दिख रही होगी, जो आजकल मैं हर वीडियोस में यूज कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल लाइट है, लैंप लाइट है। इसका प्राइस मुझे अंडर 1000 रुपीज पड़ा था, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरी क्रिस्टल लाइट है जिसे मैंने अमेजोन से लिया था, ये 500-600 रुपए की है। इसमें अच्छी बात यह है कि इसके साथ भी रिमोट दिया गया है,
तो मैं रिमोट के ज़रिए बहुत सारे जो कलर्स हैं उनको चला सकता हूँ इसमें, और कुछ इफेक्ट्स भी हैं जो कि मैं यूज़ नहीं करता। आई यूजली प्रेफर दिस, ये स्टेबल रहती है तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है ये लाइट। अभी मेरी लाइट है डिजिटक की मेन लाइट है एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। अगर आपका बजट 8-9 हज़ार तक का है तो आई विल रिकमेंड दिस लाइट टू यू। इसके अंदर आपको ऑक्टा बॉक्स भी मिल जाता है, साथ में स्टैंड भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन खरीदोगे तो, ऑनलाइन खरीदोगे तो 11-12 हज़ार रुपये के अंदर आपको ये लाइट विद द ऑक्टा बॉक्स एंड विद द स्टैंड पड़ेगी। और शुरुआत में मैं एक छोटे से पैनल से वीडियो बनाया करता था, कभी कभी मैं इसको हेयर लाइट की तरह यूज कर लेता हूँ, बैक लाइट की तरह यूज कर लेता हूँ। इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ पास्ट में। ये लाइट भी डिजिटेक की है, LED D416 शायद इसका नाम है। तो दोनों लाइट्स की डिटेल वीडियो मैं चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हो, लिंक यहाँ कहीं डाल दूंगा। और इन दोनों का जो प्राइस मुझे पड़ा वो अप्रॉक्सीमेटली 11-12 हज़ार के बीच का पड़ा, कैलकुलेशन में अगर मैं सही होऊंगा तो। बाकी मैं ट्राईपॉड और लाइट स्टैंड दोनों डिजिटेक का ही यूज़ करता हूँ एंड ये लाइट स्टैंड जो है इसका प्राइस 700-800 रुपये के आसपास में पड़ा था, मैंने ऑफलाइन खरीदा था। ट्राईपॉड भी मैं डिजिटेक का यूज़ करता हूँ, इसका प्राइस 1100-1200 रुपये के आसपास का था। सारे इक्विपमेंट्स मैं ऑलमोस्ट डिजिटेक के यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरी टेबल है जिसे मैंने अमेजन से खरीदा था और ये काफ़ी मजबूत निकली, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी मजबूत निकलेगी, बट काफ़ी स्टर्डी है। इनिशियली मेरा थॉट था कि मैं इसे खुद डिजाइन करके किसी कारपेंटर से बनवाऊंगा, पर जहां मैं रहता हूं वहां के कारपेंटर्स को चाहिए था फ्री का पैसा, तो मैंने कहा निकल लड़ियन। अपन छोटे आदमी पहुंचे अमेज़न पे और कर दे बुक। लेकिन बहुत सर्च करने के बाद इसे मैंने ली, क्योंकि वहां पर ना एक से बढ़कर एक सस्ती टेबल आपको मिल जाएंगी। इफ यू नो यू नो, हर बार सस्ता अच्छा नहीं होता। पेटेंट करा लेता हूँ इस डायलॉग को। टेबल का प्राइस मुझे पड़ा 6500 रुपए। अच्छा, क्योंकि मेरा ये जो M1 Mac Mini है इसके अंदर सिर्फ दो पोर्ट दे रखे हैं USB के, इसलिए मैंने एक USB हब भी लिया है जो कि TP-Link का है। इसके अंदर आपको 4 पोर्ट्स मिल जाते हैं, 1000 रुपए के आसपास में आपको इसका प्राइस पड़ जाता है। काफी अच्छा है, मेरे काफी यूज हो रहा है, क्योंकि मुझे इसमें 4 पोर्ट्स हैं, मेरे काफ़ी काम आ जाता है ये USB पोर्ट। आपको अगर मैक के इकोसिस्टम में जाना है, मैक मिनी में जाना है, तो आपको USB पोर्ट एक अच्छा लेने की जरूरत पड़ेगी। दैट्स वाई मैंने ये TP-Link का एक USB पोर्ट भी लिया हुआ है। जो मेरा माइक है इसका USB जाता है उसमें, उसी के साथ में मेरा जो कीबोर्ड और माउस का USB है वो भी मैंने इसमें लगा रखा है। मेरे को हार्ड डिस्क वगैरह भी लगानी होती है तो भी मैं इसी में USB पोर्ट में लगा लेता हूँ। ये वाला माइक माउनो का है और इसका प्राइस मुझे 5200 के आसपास का पड़ा था शायद। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हो। और आवाज़ आप सुनी रहोगे कैसी है, थोड़ी बहुत मैं एडिटिंग स्किल के थ्रू इसकी आवाज़ को और एनहांस कर देता हूं। अभी जो आप ऑडियो सुनोगे वो विदाउट ऑडियो करेक्शन के होगी, एंड नाउ आप सुन रहे हो ये विद ऑडियो करेक्शन है। इसका प्राइस 5200 रुपीज़ का पड़ा था, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा आपको माइक इस बजट के अंदर मिलने वाला है। अगर आप इस तरीके की वीडियोस या फिर टॉकिंग हेड या फिर आप पॉडकास्ट आपका चैनल है तो बहुत अच्छा माइक है इस बजट के अंदर ये। मेरा जो कार्ड रीडर है वो भी डिजिटेक का ही है, 400 रुपये का आता है वो, काफ़ी अच्छा कार्ड रीडर है ये। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने डाटा डाला हो इसके थ्रू और कार्ड करप्ट हो गया हो, या फिर जिस हार्ड डिस्क में मैं डाल रहा हूँ वो करप्ट हो गया हो। सो आप इसको आँख बंद करके खरीद सकते हो, ब्रांड भी ट्रस्टेड है। हार्ड डिस्क मैं यूज़ करता हूँ 3 हार्ड डिस्क। एक जो हार्ड डिस्क है वो मेरी 5 TB की है, इसका प्राइस पड़ा था मुझे समवेयर अराउंड 8-9 थाउजेंड। जो दूसरी हार्ड डिस्क है वो 2 TB की है, उसका प्राइस ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार रुपये के आसपास का पड़ा था। और एक 1 TB की हार्ड डिस्क है, वो मुझे याद नहीं मैंने कब खरीदी थी, कितने की खरीदी थी, पर शायद 2-3 हज़ार रुपये के आसपास की खरीदी थी। फिलहाल मेरे को खरीदनी रह गई है एक पोर्टेबल SSD, जो कि मैं चाहता हूँ कि सैमसंग की खरीद लूँ, क्योंकि जो हार्ड डिस्क से जो डाटा रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती एडिटिंग में। पोर्टेबल SSD जैसी ले लूँगा आपको बता दूंगा। ये मेरा बच्चा है, मेरी जान, मेरी रोजी रोटी, सोनी A7 III विद द किट लेंस 28-70, एंड इसे मैंने कोरोना के टाइम पे लिया था EMI करवा के। दैट्स ऑल माय सेटअप इज। तो इन सब का अगर मैं टोटल करूंगा तो ये तेरा घर जाएगा इसमें? नहीं, घर नहीं जाने वाला, आपका जाने वाला है सुख और चैन, क्योंकि हर एक चीज को आप बहुत धीरे धीरे साल दर साल खरीदोगे जैसा कि मैंने किया। मुझे इन सारे इक्विपमेंट्स को, इन सारी चीजों को जमा करने में 3-4 साल लगा, मे बी ज्यादा लगा होगा कैलकुलेशन अगर करूँ तो। मैंने इस रूम को यहाँ तक बनाने के लिए 4-5 साल का वेट किया, एंड यू नो वेट करना किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा दर्ददायक होता है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि ताजमहल एक रात में नहीं बनाता, उसको बनने में, उसको खिलने में बहुत समय लगा। इसलिए भाई लोग सीधी बात, केयर्स मैटर नहीं करते।